हेलो माय यूट्यूब फैमिली, आप सबका फिर से एक बार स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। तो गाइज, आज काफ़ी लेट ब्लॉग आया है क्योंकि कल का रात ही कुछ ऐसा था, आप लोगों को देखने को मिल जाएगा। और अंशु के घर पे जब हम लोग गए हुए थे तो उनके ससुराल वाले लोग इतने दिलदार हैं, इतना मस्त हैं, मतलब हर एक लोग एक एक जन जो थे ना वो इतना ज़्यादा प्यार कर रहे थे सब लोगों से, मतलब दिल ही खुश हो गया। मुझे उम्मीद भी नहीं था, मुझे लगा जैसे कि हम लोग कोई जाते हैं हित में बैठते हैं लोग, नाश्ता पानी करते हैं लोग, फिर चले जाते हैं, पर ऐसा कुछ नहीं था। बहुत ज़्यादा गजब का मतलब था यार ससुराल, मतलब ऐसा अगर हो तो फिर ऐसा लग ही नहीं रहा था कि ये घर एक घर से जाके किसी ससुराल या मायके में गई है, ऐसा लग रहा था घर से उतर के घर में ही चली गई है। और इतना ज़्यादा मतलब आप लोग के ब्लेसिंग इतना ज़्यादा मिल रहा, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इस वीडियो में आप लोग को देखने को मिल जाएगा कि कैसे वो लोग इतना मिलनसार हैं और इतना ज़्यादा प्यार कर रहे थे, पर इसमें आप लोग को वेट करना पड़ेगा किस चीज़ को लेके, तो उनके हस्बैंड को लेके कि वो क्या करते हैं, क्योंकि उनका जो है मैं स्पेशल उनसे बात भी किया। और आपको और एक नेक्स्ट जो आएगा ब्लॉग वो होगा होम टूर के ऊपर, जो कि उनके घर कैसा है, कैसा दिखता है, शायद आप लोगों को बहुत ज़्यादा अच्छा लगने वाला है। तो चलिए गाइस, बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और खूब सारा आज तो मैं मतलब दंग रह गया था कि अंशु का एकदम लुक ही चेंज हो गया था। उस वक्त जो था मैं देखा था वो कोई और ही था। और इसीलिए कहा जाता है कि सब पे विश्वास कर लेना, ये मेकअप वाले लोग पर मत करना। बाप रे, एकदम मतलब जज्बात बदल दिया पूरा एकदम। आज बेचारी अपने से की थी तो अलग लग रही थी, 2-3 किलो कम ही लग रहा था। खैर ये मजाक का बात है। अंशु आप देखोगी वीडियो पक्का आप भी हंस रही होगी। अब मेरी बहन है थोड़ा बहुत तो मजाक बनता है, और अभी बहुत ज़्यादा मज़ा आने वाला है क्योंकि उन्होंने बात में कुछ बोला है रंजना से। और रहा सवाल रंजना, तो मैं अब इधर उधर थोड़ा भी जा रहा हूँ तो एकदम मतलब सैड हो जा रही है। ऐसा आप लोग को लग रहा होगा कि मेरे साथ रहना चाह रही है, तो ऐसा नहीं है। वहाँ पे जाने के बाद से खैर छोड़िए, वीडियो को शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। मुझे हंसी इस बात का आ रहा है कि मैं एकदम शॉक्ड हूँ कि वहाँ पे जाने के बाद कैसे सब लोग एकदम मतलब कोई इधर खींच रहा था, कोई उधर खींच रहा था, मतलब मज़ा आ गया भाई। कसम से लव यू सभी फैमिली लोगों को मेरे तरफ से और हमारे पूरे परिवार के तरफ से, इतना मज़ा आया। और जो उनके हस्बैंड हैं शुभम जी, उनके बारे में भी मैं पूछा और वो बताए भी हैं, लेकिन इसमें तो नहीं, लेकिन नेक्स्ट ब्लॉग में आपको देखने को मिलेगा। तो गाइस थोड़ा सा और पेशेंस बनाइए, खूब मज़ा आने वाला है। इस वीडियो को भी जैसे हर बार की तरह 100K+ जाना चाहिए, और लाइक आप लोग ज़रूर कीजिएगा। और किसी को कमेंट करने का मन नहीं करता है तो एक हार्ट होता है उसको भेज दीजिएगा, और अपने भाई को खूब सारा प्यार दीजिएगा, क्योंकि अब सिर्फ 2 दिन बचा हुआ है रंजना के बर्थडे के लिए। कुछ प्लानिंग है तो वो भी आप लोग कमेंट कीजिए क्या करना चाहिए, क्या सही रहेगा, और बहुत मज़ा आएगा। यानी 14 को है लेकिन 2 दिन इसलिए क्योंकि ड्रेस या बर्थडे मनेगा भी कि नहीं मनेगा, अकेले मनेगा क्या है एकदम मतलब कुछ भी, तो ज़्यादा देर नहीं बोलेंगे। बोल रहा है वीडियो मेरा ढेकार की स्टार्ट करवाओ यार। तो गाइस अब जो है आप लोग को बता दें कि यहाँ पे अब हम लोग जाएंगे थोड़ी देर में खाना खाने, और रिसेप्शन में बात कर हम जो है आगे बढ़ते जा रहा है। शॉप की बैठी हुई है मस्त एकदम सबके साथ। और आपकी और भी दीदी हैं लोग क्या? मैं तो अकेली हूँ। वो भी नहीं, नहीं अब तब तो आराम करेगी, यहाँ पे रहती तब ना बताती कि मम्मी हाई कर दी तो तुम आराम करोगी पूरा, तुमको तो कोई बोलेगा ही नहीं कुछ, रहती तब ना बोलती मम्मी देखी ऐसे करती हूँ ऐसे करती ननद है तुम्हारी। तो यहाँ पे देख सकते हैं लोग कि इतना अच्छा सब सबसे मस्त लग रहा है। वो किलो कम लग रही हो खाली मेकअप हटाया तो क्या वो अंशु क्या बोल रही थी, अंशु क्या बोल रही थी यहाँ पहले पता रहता तो बना के लाया जाता हम लोग, बना के लाते लोग। आप सब लोग खाना खा लीजिए जाए। हम लोग बचे क्या हो बिट्टू?
ना करो। तो यहाँ पे हम लोग आए बनी के पास और आपको कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। आज हम खुद से मेकअप किए हैं। कब आना है? वो नहीं आना है, अब 15 दिन के अंदर वहाँ पे सिवान जाना है पग फेरा वाला रस्म के लिए। वैसे आप बहुत प्यारी लग रही हैं। थैंक यू। खुद से मेकअप? यहाँ खुद से हमारा मेकअप हम खुद से किए हैं। पार्लर वाली का तबियत खराब है। पूरी बोलती है भाभी। अब रहने देते हैं और अभी बस अब हम लोग निकलेंगे थोड़ी देर के लिए। बाकी हमारी दुल्हन तो एकदम क्या बताएं। पार्लर वाली से निकलने वाले हैं और यहाँ पे मैं ननद भाभी ननद। अच्छा, और अब चलेंगे। बाकी तो गाइस कोई भी जाने नहीं दे रहा है, ऐसे एकदम गेट बंद कर दिया है। लोग बोल रहे हैं कि नहीं आज नहीं जाना है। अंशु हम लोग को जाने नहीं मिल रहा है जी। सबसे साइड में आके हम कोना में खड़े हैं मस्त, और यहाँ पे दीदी जाने नहीं दे रही है। यहाँ पे मामी है। सब लोग एकदम मस्त तैयार होके आ जाया था। हो गया अटैक। तो गाइस वहाँ पे डांस हो रहा है और यहाँ पे सब लोग बैठ के बाकी सब लोग उधर जेंट्स लोग हैं उधर। हम लोग यहाँ बैठे ये है अंशु। ये अंशु ये अंशु की बात है। यहाँ पे विदाई के लिए मम्मी देखिए कितना मेहनत कर रही है। पांच सौ का नहीं लगा है लेकिन कूलर तो है ना। काम चला है। चलिए बहुत भीड़ भाड़ हो गया, अचानक से प्लान बन गया ये शादी का। चलिए मम्मी चला गए। और ये है मामी 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 मामी। इसलिए प्रणाम नहीं करेंगे, मैं तो गरीब हो जाएंगे। और यहाँ पे मामी है ये तो। और यहाँ पे ये है दूल्हे राजा के भैया भाई, छोटे भाई, छोटे भाई। इन्हीं में अभी टाइम है 5 साल, अगला सरकार तक बनेंगे। मैं स्टार मामी और एक मामी स्टार ही है। तो गाइस अब हम लोग जाने वाले हैं। हम लगा देंगे गाना। तो गाइस अब हम लोग जा रहे हैं लोग, और सब लोग यहाँ भीड़ लगा है। सब लोग हाई कर दीजिए। क्या नाम है आपका? खुशी। खुशी नाम। खुशी। यार आपका? निमी। निमी। तो गाइस आखिरकार अब वक्त हो चुका है जाने का, और यहाँ पे मेरी बहन अपना ख्याल रखना बस। और कोई भी एक तो ये लोग इधर लेट है, मैं कोई इधर इधर आ रहा हूं। बहुत आप लोग ही कर रहे हैं इतना लेट से। सबसे लेट से ही ये लोग आए हैं दोनों। बेचारी पतली हो गई। सच में तू पतली हो गई थी एक ही दिन में। मेरे घर पे थी कितना मोटी थी, पतली हो गई एकदम। एक दिन में पतली हो गई। अभी रात में नहीं बिता है। बाय अंशु, मत रोना यार। जैसे हंसते हुए आई है वैसे ही हंसना। हंस रहा है लेकिन दुख बहुत हो रहा है। अरे पैसा रहने तुझे दीदी जैसा लग रही है। अच्छा ठीक है। तो यहाँ पे लास्ट से बाय बाय। यहाँ पे देख सकते
सकते हैं लोग कि सब लोग एकदम जल्दी जल्दी बोल रहे हैं, सब टैग कीजिए लोग। और कोई है उसका भी एकदम जल्दी जल्दी में। हेलो गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो अभी सुबह का टाइम हो चुका है और मैं नहा कर रेडी हो चुकी हूँ और अब चलते हैं जल्दी से पूजा कर लेते हैं, फिर मम्मी जी पापा जी से आशीर्वाद लेंगे, उसके बाद देखते हैं कि अभी क्या करना है क्या नहीं, क्योंकि कल रिसेप्शन था तो कल रात में सब लोग लेट से आए, लेट से सोए और मॉर्निंग में सब लोग थोड़ा सुबह नहीं उठ पाए। तो बस अब जल्दी से चलते हैं, हम भी पूजा करते उसके बाद आते हैं, फिर आप लोग से बात करेंगे और आप सबको बताएंगे कि अंशु के यहाँ हम लोग गए थे रिसेप्शन पार्टी में तो वहाँ क्या क्या हुआ, सब आप लोग को देखने को मिलेगा। तो पहले उससे पहले जल्दी से चलते हैं, करते हैं पूजा। यहाँ पे किचन में आ गए थे तो यहाँ पे आंटी के साथ चना बना दी थी और उसके बाद अभी भुजिया बन रहे और भी कुछ अभी बनेगा, बाकी यहाँ पे नाश्ता जीजू आया तो नाश्ता वास्ता किए हैं अभी और चलते रूम में। तो यहाँ पे अभी आ गए और थोड़ा चाय पीने का मन है तो चाय बना रहे, बाकी यहाँ पे सब्जी बन गया आंटी जी बना रही और अभी चलते थोड़ा सा पीएंगे चाय, उसके बाद देखते क्या करना। बाकी मौसम बहुत अच्छा किया हुआ है, ऐसे अगर मौसम रहा तो सही है, बारिश अगर ना हो तो